नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं स्टूडियो से। और आप देख सकते हैं कि हम लोग जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपके इलाके में जल भराव के क्या हालात हैं। हालांकि जो पहली बारिश हुई थी उसके दौरान कहा गया था कि मानसून की तैयारी के लिए डिपार्टमेंट अभी तैयार नहीं है, और इसी उद्देश्य से 3 4 5 दिन शायद भगवान ने भी दिए, मौसम ने दिए कि आप तैयारी कर लें। और तैयारी करने के बाद आप अगर कहीं अड़ोस पड़ोस में हैं, आपके घर के बाहर कोई पानी पड़ रहा है, तो आप हमारे साथ लाइव हो सकते हैं और हमें मैसेज करेंगे तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा लाइव होने के लिए। तो हम दरअसल आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि फिलहाल शहर में क्या हालात हैं, और आप अपने कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। हमें सेक्टर 7A में तो घर में पानी आ गया है। रमनजीत सिंह जी, आप हमारे साथ लाइव हो सकते हैं और आप दिखा सकते हैं कि आपके घर के हालात कैसे हैं। पूरे ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा ही ऐसी है, और इरोज गार्डन चामसूट विलेज में बुरी हालत है पानी की। रुचि गुप्ता कह रही है, रुचि जी आप हमारे साथ कमेंट्स में, हम चाहेंगे कि रुचि जी को लिंक भेज दिया जाए ताकि वो लिंक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकें। और वहां कोई उन्हें लगता है कि बहुत खराब हालात। मुकेश जी कह रहे हैं बोट कहाँ मिलेगी रेंट पर। सुप्रीत सिंह हमारे साथ हैं, कह रहे हैं फरीदाबाद खर्चा मुक्त कैसे होगा, कचरा मुक्त कैसे होगा। कुमार पवन है, सेक्टर 16 में पानी, वाटर कर्फ्यू लगा। जी हम बार बार बताते हैं कि शहर में करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद फिलहाल वाटर कर्फ्यू कैसे हालात हैं। जरा सी बारिश होती है और पूरे शहर में वाटर कर्फ्यू लग जाता है। जी और आप हमारे साथ इस लिंक पर, दिए गए लिंक के माध्यम से जुड़कर आप हमारे साथ, जी और तमाम लोग, पूरा फरीदाबाद मैं समझता हूँ हमारे साथ जुड़ गया है। अलग अलग इलाकों से सब लोग जुड़े हैं। और भूषण देव जी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं सेक्टर 37 में पूरा पानी पानी हो गया। हिमांशु वार्ष ने सेक्टर 55 में पानी भर गया है। ब्रजेश झा, बहुत बुरा हाल है पूरा फरीदाबाद का। जी सेक्टर 81 VVIP फ्लोर्स में भी, सुरेंद्र सिंह जी बता रहे हैं। आशीष सेठी जी हैं हमारे साथ, NIT 3 मार्केट में पानी है। और ऐसे हालात लगभग सब जगह हैं। लिंक हम दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। आप अगर हमारे साथ उस लिंक के माध्यम से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और आपसे एक आग्रह है कि आप इस समय में अपने घर से बाहर ना निकलें। रमनजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी कैमरा जोड़ रहे हैं जी, तो हाँ, आपको आपको दिखा रहे हैं सबसे ये ये जो देखिए, है रमन जी हमारे ये साथ देखिए, लाइव हैं, और वो ये पूरा पानी हम हमारे आपको, घर पे आया है, ये देख लीजिए, जी रमन जी ये देख लीजिए। ये देखें पानी पूरा घर में पानी भर गया है। रमन जी जी के थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा दें रमन जी, ताकि शहर के तमाम लोग देख पाए कि कहाँ कहाँ कैसे हालात हैं। क्योंकि प्रशासन तो इन सबको देख नहीं रहा है, इन सब पर चर्चा नहीं करना चाहता है, इन सब पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। तो थोड़ा सा आप घुमा कर दिखा दें और ये देखें रमन जी हमें दिखा रहे हैं ये देखिए, कि उनके घर के हालात कैसे हैं। जी तो निश्चित रूप से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये देखें पूरे घर में पानी भर रहा है और उसे किसी तरह से निकालने का जतन कर रहे हैं। सतीश कुमार जी हैं नहर पार। और सबसे सबसे बड़ी बात जो फरीदाबाद हम आपके साथ बांटना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आप घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। ऐस कहाँ गड्ढा खुदा है और कहाँ करंट का, बिजली का खुला हुआ नंगा तार है। ये देखें एक और चित्र रमन जी हमें भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये देखें घर के बाहर के हालात हैं, बिल्कुल घर के वो बाहर के देखिए जी, हालात हैं। जी तो ये देखिए, कोई भी रमन जी चीज, कहाँ, अभी कौन सी जगह अभी पर हैं। अभी ये व्हीकल आ रहे हैं, और अभी आप देखिए ये पानी अंदर आएगा, अभी ये व्हीकल जा रहा है, देखिए हाँ तो ये देखिए, जो जैसे ही वाहन ये देखिए, आए अब ये ये पानी अंदर आ देखेंगे जाएगा, समंदर की ये लहरें देखिए, उठेंगी और घर के अंदर पानी पूरा घुस जाएगा। ये कौन ये सी देखिए, जगह है रमन जी, आप ये सेक्टर 7A मार्केट के पास है जी, 7A की मार्केट के पास के हालात हैं, कौन से ये कोई बिल्कुल मकान सामने, आपको बता। ये वाधवा नर्सिंग होम के सामने गली गली में है।
वाधवा नर्सिंग होम के सामने वाली गली, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, ये देखिए और हाल देख हालात लीजिए। ठीक नहीं है। और सबसे खराब चीज फरीदाबाद, जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि शहर में, अभी हम लोगों ने एक खबर आपको दिखाई, बाटा का जो शोरूम है उसमें पानी घुस घुस गया। वहां से भी किसी सुधी दर्शक ने, हमारे किसी चाहने वाले ने हमें वो वीडियो भेजा, और वो वीडियो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। एक और बात, एसजीएन नगर से जो खबर आई, वहां एक महिला घर के बाहर निकली होंगी और खुला तार, बिजली का खुला हुआ तार उनके झटका लगा उससे, और वो कैसे गिर गई वो वीडियो भी हमारे पेज पर चल रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन फरीदाबाद ऐसे समय में, जिस समय में हमें ये जानकारी नहीं है कि कौन सी सड़क पर कहाँ गड्ढा है, कहाँ मैन होल जो है वो खुला हुआ है, कहाँ बिजली का तार हमारा इंतजार कर रहा है झटका मारने के लिए, ऐसे समय में हम अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले 5 दिन जो मौसम का हाल है वो खराब ही रहने वाला है, तो मौसम का जो अलर्ट है वो हमारे समर्थन में नहीं है। और आप ये देखें कि पूरा पानी था, सड़क पर हैं दीपा मिश्रा जी, सड़क पर हैं, उन्हें दौड़ रहे हैं। जी दीपा जी, कहाँ सर पूरा पानी मैं इस टाइम पे आपको दिखा रही हूँ, 16 सेक्टर के हालात दिखा रही हूँ। और 16 सेक्टर में अभी मैंने दिखाया था, मैं 18 की तरफ जा रही हूँ जी और इसमें जी क्लिप का ऑप्शन मैं देख रही हूँ ताकि मैं आपको लाइव थोड़ा सा प्रदान कर कैमरा सकूँ। घुमा के दिखाएं। हमें, हमारे साथ विवेक जी जुड़े हैं। विवेक जी कहाँ हैं आप, कैसे हालात सर हैं? देख सर, हम तो सर संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में है। ये देखिए पानी कितना भर रखा है, कैमरा कहाँ से सेक्टर 23 घूमेगा। में, संजय कॉलोनी में, और ये दीपा सर जी ये हैं, आप लाइव हैं हमारे साथ सेक्टर 2 में। देख जी, सकते ये संजय कॉलोनी, तो आधे घंटे हो गए मेरा घर से सेक्टर निकले 16 है हुए, आप मतलब जो देख रहे हैं। जी विवेक देखिए सर, सर ये 18 के हालात हल्के आप यहाँ पर देख रही, मैं 18 थोड़ा सेक्टर की तरफ जा रही हूँ। सा 18 सेक्टर से देखें फरीदाबाद आप, सेक्टर 18 में स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, और वहां भी जो, ये देखें आप, ये देखें नरेंद्र गुप्ता जी की विधानसभा, पानी में कोई से बहुत अच्छा है। निकलते जी जी पूरे शहर में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ हालत कैसे हैं, और जहां कहीं हैं आप लिंक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दूर ना निकलें। जहां आपको लगे कि असुरक्षित है वहां बिल्कुल ना जाएं फरीदाबाद, क्योंकि ऐसे समय में जब आप जाएंगे तो वहां उम्मीद है, हो सकता है कि वहां पर कोई गड्ढा खुला हुआ हो सकता है कि वहां पर कोई बिजली का नंगा तार आपका इंतजार कर रहा हो सकता है वहां सड़क टूटी हुई हो और आपको पता ना चले और आप उसमें गिर कर चोटिल हो जाएं, घायल हो जाएं, जान को जोखिम में डाल दें, ऐसा ना करें फरीदाबाद। और लगातार लोग कमेंट्स कर रहे हैं, रवीश भाटिया हमारे साथ हैं, नरेंद्र कुमार जोगी हमारे साथ हैं, हितेश कुमार हैं, कह रहे हैं सब जगह पानी पानी है, अभी तो मानसून की शुरुआत है, आगे क्या होगा। आज दीवान जी खबर दिखा रहे थे कि वहां नाले, डीके और नीलम के बीच का जो नाला है, उस नाले की सफाई के लिए जेसीबी लगाई गई थी। यार आप समझें कि 3-4-5 दिन पहले बारिश हो गई थी, और उस बारिश के बाद ये होना चाहिए था कि तुरंत महकमे को युद्ध स्तर पर बाहर निकल कर आना चाहिए था। अनंगपुर में भी बुरा हाल है, आप सोचें पहाड़ पर है अनंगपुर, और वहां भी वीरपाल सिंह भडाना जी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं वहां भी बुरा हाल है। जीवन नगर पार्ट 2 का बुरा हाल है, धीरज बब्बर हमारे साथ हैं, इस हिसाब से नहर पार ठीक है, नो वाटर लॉगिंग हियर सेक्टर 85। नहर पार में तो अभी बस्ती नहीं आई है, बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं ऐसे। जवाहर कॉलोनी में भी बहुत वोट चाहिए, जवाहर कॉलोनी में भी, बसेलवा में भी बुरा हाल है, सेक्टर 15 मार्केट और 15A अजरौंदा सत्संग वाला रोड जो है वहां का भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है जी, वो हमेशा भरा ही रहता है। और मथुरा रोड देख लो, नाव वहां भी लग सकती है, मथुरा रोड के हालात भी ठीक नहीं बता रहे हैं। राव रमेश कुमार हमारे साथ हैं, जुड़े हैं। रमेश जी अगर कैमरे के साथ हैं तो वहां से कहीं कुछ दिखा दें, हमारे साथ लिंक पर जुड़ जाएं, लिंक हम बार बार पेस्ट कर रहे हैं इसी में। और पाली भाकरी रोड सेक्टर 7 बदनाम है, NIT 3 मार्केट में पानी पानी, NHPC ग्रीनफील्ड अंडरपास पूरी तरह भरकर मथुरा रोड का आवागमन बंद हो चुका है। पवन तुलसियान जी हैं ग्रीनफील्ड से हमारे साथ, नरेंद्र कुमार जोगी जी हैं हमारे साथ, और
कहीं कोई करण कश्यप जी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो भी शायद कुछ दिखाना चाहते हैं। जी करण जी कहाँ हैं? करण जी कौन सी जगह है? दिखाते हैं बारिश, एक सेकंड। जल भराव कहाँ है, कौन सी जगह है आप अभी? करण जी कौन सी जगह है? एक सेकंड सर, एक सेकंड में बैक कैमरा ऑन करूं। तो आप देख रहे हैं जगह जगह से लोग अलग अलग इलाकों से हमारे साथ लाइव हो रहे हैं, और ये देखें कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है करण जी? बल्लभगढ़ सर, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ में कौन सी जगह? चावला कॉलोनी, चावला कॉलोनी। बल्लभगढ़ के हालात देख सकते हैं। फरीदाबाद हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोई विशेष जरूरी काम ना हो तो घर से। ये देखें कितने टायर लगभग डूब चुके हैं, और ऐसे में ये समंदर की सी लहरें उठाते हुए ये वाहन गुजर रहे हैं इन कॉलोनी से। और एक बार फिर ये देखें, वो गाड़ी बंद हो गई है वहां पे, गाड़ी भी बंद हो गई है, गाड़ियां तो बहुत जगह बंद हो रही हैं। वसुदेव बिष्ट जी हमारे साथ हैं, कहाँ हैं वसुदेव जी आप? जी वसु जी कहाँ पर हैं आप? सर मैं सेक्टर 15A की मार्केट में हूँ फिलहाल। क्या हालात हैं यहाँ? तो सर बस बहुत बुरा हाल है, पूछे मत। अभी तो हल्की हल्की बारिश और हो रही है। दिखा दें जरा, दिखा दें सड़क पर क्या क्या स्थिति है, बैक कैमरा ऑन करके दिखा दें जरा। ये देखें आप, ये देखें 15A के हालात है। कौन सी जगह है ये 15A में? वासुदेव जी कौन सी जगह है 15A में? जी सर 15A में कौन सी जगह है आप? सर मेन मार्केट, बाजार जो है हुड्डा का जो बाजार है, राधा स्वामी सत्संग भवन के पास। नहीं सर वो तो हमारा उस साइड है, मेन मार्केट जो 15 है, सिर्फ 15 की मार्केट बोलते हैं जैसे। अच्छा 15 है, सेक्टर 15 की मार्केट, 15 की नहीं, 15 की मार्केट जो है। अरे नहीं 15 15 की मार्केट में ही हूँ। वासुदेव जी एक बार फिर घुमा के दिखा दें कैमरा जरा, तो थोड़ा सा लोगों को भी समझ आए कि इस समय बाजार में निकलने की कोई जरूरत नहीं है। और दीपा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये देखें कौन सी जगह है। सर अब मैं 18 से 17 की तरफ आ गई हूँ, और 17 में भी आप ये देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है। 18 से 17 की तरफ पानी पूरा भरा हुआ है सड़क पर, ये देख सकते हैं आप। और हम लोग ये सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों पे ना, यहाँ सड़क में गड्ढे भी हैं, जिससे और थोड़ा सा पानी भरे होने के साथ साथ और बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। बारिश फिर से शुरू हो गई है, और 15 के हालात, सेक्टर 15 के हालात आप देख सकते हैं। फरीदाबाद वासुदेव जी हमें दिखा रहे हैं सेक्टर 15 के हालात, ये देखें आप। और ये हमारे साथ जुड़े हैं तिलक शर्मा जी, हमारे त्रिलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी त्रिलोक जी कहाँ से लाए हैं आप? ये जीवन नगर गोची। दिखा दें आप भी, दिखा दें क्या हालात हैं आपके इलाके में। जी त्रिलोक शर्मा जी दिखा दें आप। क्या हालात हैं, अभी दोबारा जुड़ेंगे शायद त्रिलोक जी हमारे साथ। और फरीदाबाद यहां से बैठे बैठे हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि पूरे शहर का हाल दिखाएं, तकनीक के माध्यम से दिखाएं। समस्या यह है कि बाहर निकलने में, आपको पता है कि जब शहर में बारिश होती है तो हमारे यहाँ सेक्टर 16 सर्किट हाउस के सामने पानी भर जाता है, और इतना पानी होता है कि गाड़ी निकल नहीं पाती है वहां से। एक बार फिर त्रिलोक जी हमारे साथ जुड़ गए। जी त्रिलोक जी। जी सर ये जीवन नगर का हाल है जी। ये जीवन नगर गौची देख सकते हैं आप, फरीदाबाद जीवन नगर गलियों में इतना पानी है, ये देखें कैसे वाहन गुजरेंगे यहाँ से, ये देख लीजिए आप। और बार बार कोशिश ये होती है लोगों को कि हम लोग एक बार फिर अवेयर कर रहे हैं आपको, आज ही की ताजा घटना है
एसडीएम नगर में खुले तार, खुले बिजली के तार से करंट लगा महिला को और महिला एकदम सड़क पर धराम हो गई। आप सोच सकते हैं, हालांकि बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है, लेकिन फिर भी इस शहर में फिलहाल स्थिति ऐसी है कि आप कहीं भी निकलेंगे, कहीं भी किसी भी इलाके में निकलेंगे तो वहां वहां आपको खुले हुए तारों से, गड्ढों से, खुले मेन होल के ढक्कनों से, इन सबसे आपको दो चार होना पड़ेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि बहुत बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और खुद को घर में सुरक्षित रखें। कौन सी जगह है ये दीपाली? सर ये सेक्टर 17 में जो अजय गौड़ जी का हाउस है उधर की साइड है, ओडा मार्केट के सामने है जहाँ पर ये सोन हलवाई है। बोर्ड भी लग रहा है शायद, बोर्ड लग रहे हैं, विपुल गोयल जी का बोर्ड लग रहा है। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक एवं थाना राज्य चौकसी ब्यूरो का भी ऑफिस है और आप देखिए कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये देख सकते हैं। सेक्टर 17 एसडीआई सेंटर, एसडीआई सेंटर जी, समझ गए हम। आप देख सकते हैं और आप देख सामने से जो सर गाड़ी आ रही है उसके पूरे टायर लगभग पानी के अंदर हैं, आप देख सकते हैं। तो आप भी सुरक्षित घर पहुंचे और ये जो खबर है ये निश्चित रूप से सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। कमल सिद्धार्थ जी आपसे भी आग्रह है, विकास की गंगा बह रही है जी, विकास की गंगा। और बल्लभगढ़ का क्या हाल है रवि गर्ग जी, आप ही दिखा दें थोड़ा सा बल्लभगढ़ का हाल दिखा दें और कैमरे के साथ जुड़ जाएं हमारे साथ, जो लिंक बार बार हम फ्लैश कर रहे हैं उन लिंक्स के साथ जुड़ जाएं आप और हमें बल्लभगढ़ का हाल दिखा दें रवि गर्ग जी। कमेंट डिलीट मीडिया के करने लग गई, अब तो थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। मीडिया में मैंने क्या गलत जो कमेंट डिलीट किया, एडमिन ने क्या क्या कमेंट डिलीट हो गया आपका। सीवर की जगह एक साइड पानी का ढलान बनाकर वाटर हार्वेस्टिंग बना देना चाहिए। हाँ, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं और उन इंजीनियर्स के माध्यम से नगर निगम चलता है, लेकिन बार बार अफजल खान हमारे साथ हैं, अल्फाज खान हमारे साथ हैं और कह रहे हैं सभी जगह का बुरा हाल है। फरीदाबाद देखिए आके स्मार्ट सिटी कैसी है जी, एनआईटी का हाल दिखाएं। लेखा शर्मा जी अगर आप कहीं नजदीक हैं तो कौन दिखाए, आप ही दिखाएं, आपके अड़ोस पड़ोस में जो स्थिति है पानी की वहीं से कैमरा लें और आज हमारे लिए रिपोर्टर का काम करें। सभी अंडरपास भरकर आवागमन बंद हो चुका है, बहुत बुरा हाल है। अभिषेक राज सिंह जी हमारे साथ हैं और राहुल नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, रंजीत अरोड़ा जी हैं, अक्षय नंदा जी हमारे साथ हैं और एक बार फिर आपको जोड़ रहे हैं। कौन सी जगह पहुंची दीपा जी आप? सर सेक्टर 17 में है लेकिन यहाँ से आगे गाड़ियां नहीं जा रही है, यहाँ से गाड़ियां बैक हो रही हैं। शायद आगे पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ से, हाँ एक भी गाड़ी नहीं है क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां बैक हो गई हैं, पीछे से ही आगे भी जाने की कोशिश करेंगे जहां तक हम जा पाएंगे जी। तो देख सकते हैं सेक्टर 17 आई थिंक यहाँ पर सेक्टर 16 ऐसे भी थोड़ा ज्यादा ही पानी है, आप देख सकते हैं सर, साइड से अंदाजा लगा सकते हैं आप पानी का जी। पूरी पूरी नहर बनकर चल रही है इस समय, सड़क जो है वो नहर में परिवर्तित हो चुकी है, पूरी सड़क नहर बन गई है फरीदाबाद। लोकेश भैया जी कह रहे हैं सेक्टर्स में नालियां नहीं और सामने से सर गाड़ी आ रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोकेश भैया जी, ड्रेनेज सिस्टम होता है लेकिन उस ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने का खामियाजा ये शहर, इस शहर की जनता लगातार भुगत रहे हैं और बार बार ये कहने के बावजूद कि शहर में कुछ कीजिए, जो किया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। सेक्टर 16 ए में सर्किट हाउस के सामने बहुत बड़ा नाला बनाया गया, 1.5 करोड़ की लागत से नाला बना, लेकिन उस नाले के बावजूद, बनने के बावजूद पानी नहीं जा रहा है उसमें और सड़क पर पानी है, ट्रैक्टर के अलावा कोई दूसरा वाहन सड़क पर नहीं दिख रहा है, नहीं चल सकता।
सर घुटने से ऊपर पानी है यहाँ पे इस जगह जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ। आप सुरक्षित रखें अपनी गाड़ी को और यहाँ से निकले तुरंत। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।